नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार दरभंगा स्टेशन से। आपको बता दें, बिहार के दरभंगा जिला के दरभंगा स्टेशन पर दरभंगा के कलेक्टर एसएम त्यागराजन अपने पूरे अधिकारी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे, क्या है यहां पर, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। देख सकते हैं, ये दरभंगा स्टेशन का सीन है। आपको बता दें कि यह तस्वीर, आपको बता दें, 1913 विंटेज के एक इंग्लैंड निर्मित भाप रेल इंजन का है, जो पहले लोकोमोटिव कहा जाता था, जिसे दरभंगा में एक चीनी मिल में ढुलाई के काम के लिए लाया गया था। 8 जुलाई 2018 को दरभंगा जंक्शन पर ये बिठाया गया। अब देख सकते हैं, यहाँ पर दरभंगा के जो कलेक्टर हैं एसएम त्यागराज, उनके साथ लगभग 10 से अधिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और निरीक्षण किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम आपको पूरी जानकारी दे दें, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रेल कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इसमें कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन यहाँ खुद बोगी में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। देख सकते हैं, आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण उन्होंने किया है। बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। कहा है कि कोरोना महामारी के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग सरकार उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। बताया गया है कि इसमें रेलवे द्वारा कुल 13 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इसमें एक कोच डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मी के लिए सुरक्षित रहेगा। बताया गया है कि एक कोच में 8 से 16 व्यक्ति क्वारंटाइन रहेंगे। जिलाधिकारी ने वैश्विक कोरोना संकट के समय में रेलवे की इस पहल की सराहना किया है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी आइसोलेशन वार्ड कोषांग डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए पूरा कवरेज। फिर से एक बार अनुरोध है, इस महामारी में भी सभी जगह जाकर भारत उदय समाचार ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा लगातार। इसके बाद आपको बता दें कि डॉक्टर त्यागराजन जो कलेक्टर हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, क्यों आए थे उन्होंने, ये देखिए आगे। और कब से यहाँ पे पेशेंट रहेंगे? देखिए, आकस्मिक तौर पर या इसको भी तैयार रेलवे के द्वारा किया गया है। अभी हमारे पास आइसोलेशन और क्वारंटाइन वार्ड पर्याप्त है। 700 से 800 रूम तक क्वारंटाइन वार्ड हमारा तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर इन कोचेस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका निरीक्षण आज हम लोग ने किया। 13 कोचेस का तैयारी की, जिसमें प्रत्येक कोच में 8 या 16 लोग तक रह सकता है। दो लोग एक केबिन में रहेंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। हम लोग सभी क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण करके आकलन किए हैं कि कितने बेड्स हैं हमारे पास, क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर सबको लोग आकलन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज इसको भी हम लोग ने देखा है और व्यवस्था जो रेलवे के आदेश के अनुसार आया है उसके अनुरूप सीडीओ ने तैयार किया है। सो हम लोग देखेंगे आवश्यकता पड़ने पर इसको। सर, दरभंगा में कितने सेंटर ऐसे बने हैं और कितने बेड की क्षमता है? देखिए, 12 सेंटर ऑलरेडी बने हुए हैं, 728 लोगों को रहने का क्षमता है। कई होटल से भी बात करके दिया गया है, LNM में हॉस्टल को बात करके रखा हुआ है, BSC नर्सिंग हॉस्टल और कॉलेज में भी काफ़ी क्षमता है। तो कहीं आवश्यकता पड़ना और कमी, अभी बड़ी कमी क्षमता पर कोई बड़ी संकट नज़र नहीं आ रही है, बट हम लोग आकस्मिक तौर पर सभी चीज़ों को देख रहे हैं और वर्स्ट केस का एंटिसिपेट करते हैं। फ़ायदा तो ज़रूर होगा, हम लोग उसी को देखने आए हैं। आइसोलेशन वार्ड और रहेगा तो जितना ज़्यादा हम लोग के पास रहेगा उतना। सर, एक आइसोलेशन वार्ड अपने अलग से बनाया है जो पॉजिटिव मरीज आएंगे उनके लिए, वो क्या है सर? तो BSC नर्सिंग कॉलेज को बनाया गया, अगर पॉजिटिव होंगे तो वहाँ पर शिफ्ट कराया जाएगा, वहाँ पर भी पर्याप्त क्षमता है। तो अभी कोई बड़ी संकट क्षमता को लेकर के नज़र नहीं आज तक, अभी तो कुछ पॉजिटिव की बात नहीं सर, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है, लगातार जांच चल रही है, अगर होगा तो आगे रेफर कर देंगे। थैंक यू सर। सर एक मिनट, हाँ ये केवल डॉक्टर पर इसका।